आप सबका गरीब अवतार शो में बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी हैव रोहित टोकस, एन इंडियन बॉक्सर हु कम्पीट्स इन वेल्टरवेट कैटेगरी। ही पार्टिसिपेटेड इन द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स वेयर ही वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस वेल्टरवेट कैटेगरी। हिज इंटरनेशनल डेब्यू हैपेंड इन द क्यूबन यूथ ओलंपिक्स 2011 इन हवाना क्यूबा इन 60 kg लाइटवेट कैटेगरी where he won the silver medal. Besides many other achievements, he has won bronze medal in King's Cup Thailand and Macron Cup Iran. Rohit, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, ma'am. Rohit, please बताइए आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपने किस चीज से मोटिवेट होके आपने बॉक्सिंग स्टार्ट करी? मैम, एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं दोबारा से बॉक्सिंग में गया हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने बॉक्सिंग करके फिर छोड़ दी थी। जैसे स्टार्टिंग में मूवीज़ देखते थे, WWE आ रही है टीवी पे, मैं और मेरा भाई देखते थे उसको और आपस में लड़ते थे, तो पापा बोलते हैं कि okay. भाई यहाँ क्यों लड़ रहे हो, कुछ गेम ज्वाइन कर लो जाके आपस में। अच्छा। तो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ मुनिरका से, तो वहाँ पर बॉक्सिंग होती थी, तो पापा लेकर गए हमको, दोनों भाइयों को वहाँ बॉक्सिंग ज्वाइन कराई हमको। फिर थोड़े टाइम बॉक्सिंग करी मैंने, बेसिक वगैरह सीखा, सारा कुछ सीखा, फिर मैंने बॉक्सिंग छोड़ के स्विमिंग ज्वाइन कर ली, क्योंकि मुनीर का एक स्विमिंग का एक हब है, ऐसे कह सकते हो। खजान सिंह टोकस जो है एशियन गेम्स में सबसे पहले उनका मेडल आया था, तो सारे स्विमर्स निकल रखे थे वहाँ से, मुनीर का से जो थे, तो एक बॉक्सिंग का मैं अकेला ही जा रखा था बॉक्सिंग। अच्छा। करने तो मेरे फ्रेंड्स जो थे वो भी सारे स्विमर स्विमिंग करते थे, फिर उनको देख के मैंने, मेरे दोस्त सारे स्विमिंग कर रहे हैं तो मैं भी स्विमिंग करूँगा, तो फिर मैंने स्विमिंग ज्वाइन कर ली बॉक्सिंग छोड़ के। तो फिर एक मेरा स्कूल चेंज हुआ 7th क्लास में, तो वहाँ पर मेरे को एक क्लासमेट मिला, वो बॉक्सिंग करता था, तो क्लास में होते ना वो बॉक्सिंग कर रहा है, थोड़ा शोबाजी करनी शो करता था कि मैं बॉक्सर हूँ ऐसे, तो उसने काइंड ऑफ चैलेंज कर दिया मेरे को, कि मैंने भी बोला उसको कि भाई मैंने भी बॉक्सिंग कर रखी है, तो क्या बॉक्सिंग करके दिखा रहा है यहाँ पर? तो बोलता अच्छा बॉक्सिंग कर रखी है तो आजा रिंग पे, आ रिंग पे देखता हूँ तेरे को मैं। तो उसने चैलेंज किया, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया उसका। ओह माय गॉड। हाँ, फिर मैं बॉक्सिंग में दोबारा गया अपने कोच के पास कि सर मैं दोबारा ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो ऐसे फिर मेरा बॉक्सिंग का स्टार्ट हुआ था दोबारा से। ओह वाओ, दैट्स सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मुझे लगता है रोहित, हमारी लाइफ में लोग आते हैं ना, तो कोई कुछ प्लान होता है, कोई डिज़ाइन होता है भगवान का, गॉड का, कि भाई क्यों कोई हमारे, आई थिंक आपके फ्रेंड वो मिले आपको, उन्होंने चैलेंज किया, तो उसका यही मकसद था कि दैट यू वांटेड टू कम बैक, यू वर डेस्टिनड टू कम बैक इन बॉक्सिंग। वही तक नहीं मैम, क्या था, जैसे उसने चैलेंज जो किया था ना, फिर मैं जैसे दोबारा बॉक्सिंग में गया, तो हमारा एक बाउट होती है स्पैरिंग, तो उसने जिस दिन हमारी स्पैरिंग हुई, मतलब मैं उससे हारा। अच्छा। क्योंकि मेरे को टाइम हो गया था मेरे को छोड़े हुए बॉक्सिंग। हाँ। तो इतनी जल्दी तो वो दोबारा से कैच नहीं कर पाते ना सारा, तो फिर मैं हार गया, घर पे आया मैं, एक दो दिन स्कूल नहीं गया, मेरे को ये हो रहा कि यार रोहित कैसे हार गया, तो इससे ओके। तब उस दिन ये सोच लिया था कि इसको हराना है, बॉक्सिंग का तब भी नहीं सोचा था, बस ये सोचा था कि इसको हराना है कैसे भी करके। अच्छा। तो फिर दो तीन महीने के अंदर हमारी दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप थी, उसमें फिर मैं कंटिन्यू रेगुलर था अपना ट्रेनिंग के लिए, फिर जैसे फिर वो आया, दिल्ली स्टेट आई, तो मैंने उसी दिल्ली स्टेट में 2-3 महीने के अंदर उसको हराया, दिल्ली स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हुआ और बेस्ट बॉक्सर बना। अच्छा। नेशनल को नेशनल रिप्रेजेंट करा दिल्ली से मैंने। अरे वाह, क्या बात है। मैं जैसे बोलते ना, मोटिवेशन भी दो तरह का होता है, एक इंटरनल मोटिवेशन और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन, एंड तो मतलब दोनों काइंड ऑफ मोटिवेशन हमको बहुत हौसला देते हैं आगे बढ़ने का। तो ये जैसे यू गॉट चैलेंज, यू फेल चैलेंज एंड यू वांटेड टू प्रूव योरसेल्फ, एंड कि भाई अब तो करके दिखाना है ना, ये इस टाइप का मुझे भी बहुत बार होता है मोटिवेशन, जब थोड़ा सा मुझे लगता है कि अरे ये कुछ ये ठीक नहीं हुआ, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि अरे नाउ मुझे कुछ करके दिखाना है, और बेटर करके दिखाना है, एंड देन दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ऐसे छोटे-छोटे मूवमेंट आते हैं, वो क्लिक कर जाते हैं, फिर वो पिंच होते हैं, तो बस वो करना ही करना है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि तो हमारा एक एथलीट का माइंडसेट क्या होना चाहिए, जैसे आपने
आपने देखा कि आप बहुत मोटिवेट भी हो गए, और फिर उसके बाद आपने दिल लगा के पूरी मेहनत की होगी, पूरा एकदम जोर लगा दिया होगा कि भाई अब तो करके दिखाना है। उसके अलावा लेकिन आपकी क्या सोच थी, आपने अपने आपको आपकी आपकी जैसे आपको गाइडेंस मिली होगी, कोचिंग मिली होगी, तो आपको आपके कोच ने क्या समझाया कि क्या, क्योंकि उसमें पूरी ओवरऑल 360 डिग्री ट्रेनिंग होती है, माइंड को भी अपने को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है बॉडी के अलावा, बिकॉज हम वहाँ पे जाके नर्वस हो गए या फिर तो वो सब भी होता है। तो आप थोड़ा सा मुझे बताइए स्किल सेट के बारे में, आपको आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक एथलीट के लिए? मैम बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मैं नेशनल्स खेला था सबसे पहले, फिर यूथ में नेशनल चैम्पियन बना था, फिर मेरा सबसे पहले इंडिया कैंप था, नेशनल चैम्पियन बनने के बाद इंडिया टीम में गया था मैं यूथ की। तो मेरे कोचेस जो बेसिक कोच है वो तो समझाते रहते थे भाई तेरा पहला इंडिया कैंप है, तो क्योंकि उन्होंने तो देख रखा है सब कुछ, तो मेरे को समझाते थे कि ये सब चीज़ें होती है, मतलब लोग आपको दबाने की कोशिश भी करेंगे जो ओवर बॉक्सर्स होते हैं, क्योंकि ग्रुप होता है एक इस टाइप का, तो आपको उस चीज़ को टैकल कैसे करना है, तो कभी भी मतलब अपने आप को ये नहीं समझना कि आप कमज़ोर हो, मतलब आप जो हो आप चैंपियन बन के जा रखे हो, पूरे इंडिया का गोल्ड मेडलिस्ट हो आप जा रहे हो, तो ये मत सोचो कि और दूसरे लड़के, आप नंबर वन हो और नंबर वन रहना है वहाँ पर जाके भी। तो यही अपने आप को भी मतलब वो फर्स्ट कैंप का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था ये, पर फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है सारी चीज़ की, फिर एक एक्साइटमेंट भी रहती है कि आप इंडिया टीम में आ गए हो, अब यहाँ से आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है उस टाइम पे। ग्रेट ग्रेट, लेकिन जैसे आपने बोला ना कि एकदम नए नए अगर आप हो और अगर आप अपने मतलब एक ग्रुप में जाओ और वहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी रहते हैं और हो सकता है वो थोड़ा शो ऑफ करें, तो उस समय आप मतलब आपका क्या माइंडसेट रहता है, आप अपने आप को कैसे हौसला देते हो कि भाई आप मतलब हार नहीं माननी है, या फिर मतलब जैसे बोला ना कि दूसरों से दबना नहीं है, तो और कुछ और बातें हैं जो आप ध्यान में रखते हैं ये तो, इसके अलावा? ये तो मैम जब मैं 2011 की बात बता रहा हूँ, जब आप मैं स्टार्टिंग में गया था, अब तो मैं काफी सीनियर हो रखा हूँ यहाँ सीनियर टीम में। हाँ जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब उस टाइम पे ये सारी चीजें थी। अब मैं वही जो भी यंग एथलीट आते हैं तो ये बोलता हूँ कि भाई अपना काम अपना 100% देके करो, किसी का मतलब कोचों का रिस्पेक्ट करो, डिसिप्लिन में रहो बिल्कुल, और अच्छी चीजों को कैच करो और बुरी चीज मत लो बिल्कुल। तो ये मैं उनको गाइड करता हूँ जो भी मैं देख के आया हूँ, खुद करके आया हूँ। श्योर सो अच्छा बताइए फिर आपका आपकी जो जर्नी रही है फ्रॉम योर स्टार्टिंग करियर टू नाउ यू बिकम सो एक्सपीरियंस, तो उसमें कुछ चैलेंजेस आए होंगे, कुछ ऐसे कोई चैलेंज को बताइए जिसको बहुत जो आपको लगता है कि जिससे आपने बहुत सब कुछ सीखा हो, और उस चैलेंज के बारे में बताइए और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? मैम चैलेंजेस तो एक हमारा गेम ऐसा है कॉम्बैट स्पोर्ट्स, एक तो काफ़ी इंजरीज होती है हमारे स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग में, और ऐसा ही एक मतलब इंजरीज तो कॉमन है हमारे गेम में, लेकिन एक मेरे को 2019 में लीगामेंट ACL टियर हुआ था नेशनल चैम्पियनशिप में फाइनल्स में, फाइनल बाउट में, तो वो मेरे लिए बड़ा मेन ईयर था जो कह सकते हैं, 2020 ओलंपिक्स थे उसमें, उससे पहले मेरा ACL टियर हो गया, तो फिर मेरी सर्जरी हुई, तो वो ओवरकम करना मेरे लिए बहुत टफ था उस टाइम पे, क्योंकि मेन हम तैयारी इसी चीज़ के लिए करते हैं ओलंपिक्स के लिए, 4 साल में आता है, और उस टाइम पे आप इंजरी हो गई जो, और आप ऑपरेशन हो गया, अब 1 साल आप रिहैब पे चले गए हो, तो वो बहुत टफ टाइम था मेरे लिए, तो उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेट रखना, सेल्फ मोटिवेशन अपने लिए लेकर आना खुद के लिए, क्योंकि बहुत लोगों के बातें सुनने को मिलती थी कि भाई अब हो गया छोड़ यार क्या सर्जरी, क्योंकि उनको पता है ये सर्जरी से वापस बैक टू रिंग में आने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बहुत लोगों की बातें सुनते थे, तो बस बातें सुनता ही था मैं, एक कान से सुन रहा हूँ एक कान से निकाल रहा हूँ। अच्छा। करना मेरे को है That's how God, I think, has given us 2 years, na? भगवान ने इसलिए दिए कान, दो कान भी, 10 कान दूसरे से निकाल। जी, okay. तो उस टाइम पे मेरा बहुत ये था। अच्छा, okay.
तो मुझे बताइए फिर आपने अपनी जर्नी से, अपनी पूरी जर्नी से क्या सबसे बड़ी सीख हासिल करी है? मैंने ये सीखा है अपनी जर्नी में, एक तो आप किसी भी गेम में हो, किसी भी अपना डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग टाइम है, ट्रेनिंग टाइम पर आना, खाली ट्रेनिंग ही नहीं, उसके बाद आप डाइट क्या ले रहे हो, डाइट को फॉलो करना अगर आपको सक्सेस होना है, और उसके बाद रिकवरी भी एक पार्ट होता है हमारा उसका। ये नहीं अपने ट्रेनिंग करके आए, खाने पीने का ध्यान नहीं है, बाहर निकल के घूमने फिरने का टाइम भी होता है, लेकिन अभी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप तो मेन फोकस सबसे पहले उसी पे रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, सुपर सुपर। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा सबको कि सबसे पहले तो आप किसी भी फील्ड में हो, आप एक गोल सेट करो आप अपना कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, बिल्कुल और बस आप उसके पीछे लग जाओ जब तक आपको वो चीज़ हासिल नहीं हो जाती, क्योंकि डेफिनेटली आपको मिलना है, लेकिन वो किस टाइम पे मिलेगा, कितने टाइम बाद मिलेगा, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सोचोगे भाई थोड़े दिन मेहनत कर ली, नहीं मिल रहा, छोड़ो यार नहीं मिल रहा, मेरे को भी 20 साल हो गए हैं, 20 साल के बाद अब जाके एक कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडलिस्ट हुआ हूँ मैं, एक सेक्रीफाइस भी है इतने सालों का, तो कंटिन्यू लगे रहे हैं हम तब जाके कुछ मिला है। मैं यही कहूँगा सबसे कि बस एक फोकस करो अपने उस पर और आगे बढ़ते रहो। ओके ओके नो नो आई थिंक एब्सोल्युटली वेरी वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच। एक बार अब हम रैपिड फायर क्वेश्चंस पे आए, ये शॉर्ट वन लाइन आंसर एकदम। हाँ ठीक है, ठीक है रेडी? हाँ ओके ओके कूल कूल। रेडी। आपका कोई फेवरेट गाना जो आपको बहुत मोटिवेट करता है? यहाँ के हम सिकंदर अच्छा, आप गाना आता है, आप गा के सुनाना चाहेंगे? मैम, गाना तो प्लीज अच्छा नहीं। ठीक है, चलिए ओके। अच्छा, व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस दैट यू हैव रिसीव्ड? मैम एडवाइस तो बहुत मिलती रहती है, लेकिन बेस्ट हाँ एडवाइस बोलूंगा तो मेरे को जब मेरा ऑपरेशन का टाइम था तो लोग आते थे कि बस रहने दे, वो मैं क्यों तेरे से नहीं हो पाएगा, उस चीज को मैं बेस्ट एडवाइस लेकर मैं आगे चला हूँ कि नहीं, इनको इनकी बात को मैं सही नहीं होने दूंगा। वो बोलते थे अच्छा, कि भाई तू गिव रहने अप दे, कर अब टाइम हो दो, गया है। गिव अप कर हाँ, दो, आप गिव अप कर दो, आपने गिव अप नहीं तो किया, बस गिव अप नहीं एक्सेलेंट, करना मैंने कुछ करके, फिर उनका सबका मुंह बंद कर दिया। ऑसम ऑसम। अच्छा, कोई आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं? मैम कई बार होता है मन डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर हाँ हमारा ट्रेनिंग से, जी तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन जो होता है, हम थोड़ा योगा करता हूँ। हाँ, या म्यूजिक सुनता हूँ उस टाइम पे। मैम किस टाइप का म्यूजिक सुनते हैं आप? आपको क्या मतलब, हर टाइप का सुनता हूँ पंजाबी, वो मूड के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अच्छा पंजाबी हो गए। हाँ, ओके फिर ग्रेट ग्रेट। फुल अच्छी अच्छा ठीक है, टाइप का। आप चिल टाइम। ओके सो आपका कोई फेवरेट एथलीट क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैम, एंड क्यों 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 पसंद है, क्या चीज पसंद है उनकी? उनका जो फिटनेस लेवल है और नेक्स्ट लेवल है, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। जैसी फिटनेस है, मैं सोचता हूँ कि सब हर किसी एथलीट की उस लेवल की फिटनेस होनी चाहिए। ओके ओके ऑसम। तो आपको क्या लगता है वो फिटनेस कैसे अचीव करते होंगे? मतलब आपने कुछ उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा है और कुछ, मैम मतलब आप काफी कुछ उनके होता है, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग हो गई, एंड्योरेंस हो गया, फिर मतलब उनका गेम अलग हो गया, हमारा गेम अलग हो गया, लेकिन कुछ कुछ जो या है वो तो हाँ सिमिलर हो जाती है। अच्छा, तकरीबन। कोई आपकी कोई फिल्म, कोई ऐसी फिल्म जो आपकी फेवरेट हो जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया हो? मैम रॉकी मूवी देख रही थी जब मैं स्टार्टिंग में बॉक्सिंग करता था, स्टार्ट करी थी उसके। ओके हाँ, तो वो मूवी बहुत आज तक मैं कभी भी मन करता है देखने का, मोटिवेट होने का, तो वो मूवी लगा देता हूँ। नाइस नाइस नाइस। अच्छा बताइए, व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट बॉक्सिंग? मैं बॉक्सिंग करता हूँ, जब तक आप इंजॉय कर रहे हो आप अपने गेम को, तब तक हाँ आप अच्छी तरीके से आप गेम अपना कर सकते हो। तो मैं अपना गेम जो है मैं एंजॉय करके करता हूँ, हाँ जैसे रिंग में जब स्पैरिंग होती है फुटवर्क करता हूँ, मैं फुटवर्क कैसे करता हूँ जैसे मैं डांस कर रहा हूँ, तो अरे मतलब इंजॉय करके, कुछ भी ट्रेनिंग हो रही है, पंचिंग बैग हो रही है, पैड वर्क हो रहा है, तो मतलब सारी चीज इंजॉय करके करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है ये ऑसम, सब करना। सुपर सुपर, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। सो आपकी आपकी सबसे बेस्ट
मतलब सबसे मोस्ट जैसे बोलते गौरवपूर्ण परफॉर्मेंस और अचीवमेंट क्या है? मैम अभी 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो मैं अभी अच्छा, जीत के लेकर आया था देश के लिए, ये ओके मेरी अभी तक की बेस्ट अचीवमेंट है। ओके, ऑसम ऑसम, दिस इज अमेजिंग। सो हम इसके साथ इस सेशन के एंड पे आते हैं। थैंक यू सो मच रोहित, इस रियली अमेजिंग सेशन थैंक यू के मैम, लिए। थैंक यू, थैंक यू। और इसी के साथ हम आज के एपिसोड को यहाँ समाप्त करते हैं। इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को मेरा प्रिय भरा शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।